गुरुवार को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर 6वीं उत्तर प्रदेश पुलिस मलखम प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि आईजी जोन नीलाब्जा चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि का स्वागत प्रतियोगिता के संचालन कर रहे एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की। प्रतियोगिता के संचालन एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करके किया। इसके बाद मलखम खिलाड़ियों के संयुक्त रूप से अतिथि का स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रतियोगिता आरंभ की गई। इस मौके पर उप सेनानायक 26वीं बटालियन मुन्ना लाल, एसपी नॉर्थ गणेश साह, सीओ खजनी चारू निगम और सभी जोन के प्रशिक्षक सहित विभाग के अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि प्रतियोगिता 15 मार्च से शुरू होकर 17 मार्च को समाप्त की जाएगी, जिसमें प्रदेश की 11 जोनों की टीम हिस्सा लेंगी। पीएससी पूर्वी जोन, पीएससी मध्य जोन, पीएससी पश्चिमी जोन, बनारस जोन, आगरा जोन, मेरठ जोन, कानपुर जोन, झांसी जोन, बरेली जोन, इलाहाबाद जोन और मेजबान गोरखपुर जोन की टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल हैं। के सहायोजन एवं पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर जोन महोदय का आगमन हो चुका है। महोदय द्वारा टीम मैनेजर के परिचय। और माननीय मुख्य अतिथि पूर्वी जोन के चरण सिंह द्वारा मुख्य चयन महोदय का मान प्रणाम। अब टीम कैप्टन द्वारा मुख्य अतिथि का मान मुख्य अतिथि हम शपथ लेते हैं कि मैं 6वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक मलखम प्रतियोगिता वर्ष 2018 का शुभारंभ घोषित करता हूं। प्रदर्शन हेतु अनुमति और अनुमति प्राप्त हो गई से इन जवानों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किस प्रकार से किया जाएगा उसका एक सुंदर तरह से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया जाता है। उसका एक सुंदर नजारा इन जवानों द्वारा जोरदार बल के साथ के जवानों द्वारा मलखम पर शेर की आकृति देखिए। बहुत ही सुंदर नजारा मलखम फूल की आकृति। और ये देखिए बहुत ही सुंदर कमल के फूल की आकृति मलखम पर। इसे प्रति दिल्ली में 150 पूरे प्रदेश में उतरा एक सुंदर नजारा। रुकिए देखिए और आपके सामने कोकोनट नारियल की आकृति बहुत ही सुंदर नजारा बहुत उद्घोष इन जवानों द्वारा। ये देखिए भारत माता की जय का उद्घोष कितना जोश है। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन जोरदार तालियां बजाएं इन जवानों के लिए।
और कोई करेगा।